मेरे परिवारजनों, आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। हमारे ऋषियों ने कहा है, येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कुणवंती विद्देशु धीरहा यत पूर्व यक्षमंतः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अर्थात जिस मन से हम कर्तव्य कर्म करते हैं, विचार और विज्ञान को गति देते हैं और जो सबके भीतर मौजूद है, वो मन शुभ और कल्याणकारी संकल्पों से जुड़े। मन के इन शुभ संकल्पों को पूरा करने के लिए शक्ति का आशीर्वाद अनिवार्य है और ये शक्ति हमारी नारी शक्ति है। हमारी माताएं बहनें हैं। हमारे यहां कहा गया है, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी। अर्थात निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। आप सबने देखा है, चंद्रयान 3 में देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा।
ये शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि हमें विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए ही करना है। मानवता का कल्याण यही हमारा सुप्रीम कमिटमेंट है। साथियों, एक और नामकरण काफी समय से लंबित है। 4 साल पहले जब चंद्रयान 2 चंद्रमा के पास तक पहुंचा था, जहां उसके पदचिन्ह पड़े थे, तब ये प्रस्ताव था कि उस स्थान का नाम तय किया जाए, लेकिन उन परिस्थितियों में निर्णय लेने के स्थान पर हमने प्रण लिया कि जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचेगा, तब हम दोनों पॉइंट का नाम एक साथ रखेंगे। और आज मुझे लगता है कि जब हर घर तिरंगा है, जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है, तो तिरंगा के सिवाय चंद्रयान 2 से जुड़े उस स्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है। इसलिए चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिलकर के ही रहती है। यानी मैं फिर दोहरा रहा हूं, चंद्रयान 2 के पदचिन्ह जहां है, वो स्थान आज से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा, और जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है, वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा।